हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेनिस का साइज कितना होना चाहिए या कितना होता है। कहने को तो लोग कहते हैं 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो ये सारी चीज़ें एक कहने की बात है कि इतने साइज लोग कहते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बट जो रियल साइज होता है वो कितना होना चाहिए, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली दोस्तों, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी टॉपिक के वीडियो में अपलोड किया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सिंपली दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज होते हैं कि मेरी हाइट, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है बट मेरा साइज कम है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि मेरे सोचते हैं कि मैं बहुत पतला दुबला हूं तो क्या मेरी साइज कम है या जितना होना चाहिए उतना है। ऐसे सवाल बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन या ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो सिंपली दोस्तों, जो लोग फिट होते हैं, जिनको कोई समस्या नहीं होती है, देखो बहुत से लोग होते हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं, गलत संगत में रह करके उल्टे सीधे काम करते हैं, उसके बाद में उनका पूरा मामला ख़राब हो जाता है। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि क्या इतना ही होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पोर्न साइट वगैरह पे जब विजिट करते हैं, फिर उसके बाद में जब वो चीज़ देखते हैं तो बाद में रियलाइज़ करते हैं कि काश मेरा भी ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में जो है सवाल रहते हैं। तो आज आप लोगों को बताऊँगा कि रियल साइज कितना होता है। देखो, जो चीज़ होता है, अगर आपका पेनिस का साइज छोटा है या बड़ा है या मोटा है या पतला है, जैसा भी हो, अगर आपने उल्टे सीधे काम नहीं किए हैं तो पेनिस का जो है ग्रोथ आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी खासी ग्रोथ है, आपके बॉडी के अंदर जो है कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो है 18 में कोई उल्टे सीधे काम नहीं किए, आपकी बॉडी अच्छी खासी बूस्ट रही है और अच्छी खासी आपकी बॉडी जो है बन रही है, तो फिर आपका पेनिस भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसे होगा, एक लंबाई होती है, उसकी लंबाई की एक सीमित होती है, तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपका पेनिस मोटा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक साइज होता है और उस साइज से आगे आपका पेनिस नहीं बढ़ सकता है। कौन सा साइज होता है, आप उसको कैसे नापोगे? देखो सिंपली दोस्तों, क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं, एक ऐसा टाइम होता है कि हमारे पेनिस के अंदर अच्छा खासा कड़कपन आता है और उसके अंदर अच्छा खासा स्टैंडिंग होता है ठीक है, आपके पेनिस के अंदर, हर किसी के पेनिस के अंदर ऐसी होती है। यानी 24 घंटे के अंदर आपके पेनिस के अंदर 1 से 2 बार अंगड़ाई जरूर आती है। तो जब रात में अंगड़ाई आती है, जब हम बेड पे लेटे हुए होते हैं, अगर उस टाइम पे पेनिस के अंदर जोश आता है, पेनिस के अंदर तनाव आता है, तभी आपको अपने पेनिस को मापना है। मापने का तरीका क्या है, मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका पेनिस है, ठीक है, और ये स्टैंडिंग मोड पे है, तो आपको नापना कैसे है? आपको अपने हाथ के जो है कुछ इस तरीके से अपने पेनिस को पकड़ना है, ठीक है, एकदम नीचे से लेकर के आपको एकदम सबसे नीचे जहाँ से गोटी का मामला होता है वहाँ पर आपको उस तरीके से मुट्ठी रखना, उस तरीके से पकड़ लेना, ठीक है। पेनिस का जो अगला हिस्सा है, जो जिसको हम लोग सुपारी कहते हैं, वो सुपारी आपके इन हाथों से दूर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका सुपारी है और ये आपका पूरा पेनिस का लेंथ है, ठीक है, और उसके नीचे फिर आपका गोटी वगैरह है। अगर आपकी इतनी साइज है कि आपने जो है स्टैंडिंग में अपने पेनिस को प्रॉपर से पकड़ा है और नीचे भी कुछ छूट रहा है और ऊपर आपका सुपारी छूट रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितना आपको जितना आपका पेनिस ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ हो चुका है। आप फिर इसके रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते, ना ही उसको लंबा कर सकते, ना ही उसको मोटा कर सकते, ठीक है। ये आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मेंटेन होता है। अब अगर वहीं पर हम इसको पकड़ते हैं और हमारा जो पेनिस का हिस्सा है ये सारा चीज़ मुट्ठी के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, यानी जो अगला सुपारी है वो भी इसी के अंदर टच हो रहा है और प्रॉपर से, यानी मुट्ठी बांधने में सारा कुछ मुट्ठी के अंदर ही हो रहा है, तब समझ लीजिए कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर आपको जितना साइज की ज़रूरत है उतना आपके अपने आपके बॉडी के हिसाब से आपकी साइज बहुत कम है और फिर आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि साइज कितना होना चाहिए, कितने साइज पे अच्छा माना जाता है, कितना इंडिया में साइज चल रहा है या कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पेनिस जो है एकदम स्टैंड है और आप इस तरीके से अगर आप उसको पकड़ते हैं, आगे का सुपारी बाहर है, नीचे का थोड़ा हिस्सा छूटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका जो है पेनिस आपका जो पेनिस का साइज है वो एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, आपको फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है स्टैंडिंग में मुट्ठा बांध रहे हैं तो सारी चीज़ आपके मुट्ठे के अंदर आ जा रही है, मुट्ठे के बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका पेनिस का जो है ग्रोथ रुक गया है या बराबर से उसके अंदर साइज नहीं आया। फिर आपको ट्रीटमेंट की सलाह लेनी चाहिए, फिर आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पेनिस का साइज नेचुरल कितना होना चाहिए जो इंसान फिट हो, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप अपने पेनिस के साइज को नाप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी नापक नहीं है, यानी आप
अपने पेनिस का साइज खुद ही नाप सकते हैं। अगर हमारी बॉडी इस तरीके से है, हमारा ग्रोथ इस तरीके से है, तो उसी हिसाब से हमारा पेनिस भी ग्रोथ हुआ होगा। अगर कोई मोटा है तो उसके हिसाब से उसका ग्रोथ हुआ होगा, कोई पतला है तो उसके हिसाब से उसका ग्रोथ हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा जो है 5 या 6 इंच का है तो हम कोई मेडिसिन वगैरह यूज करें, ऐसा नहीं है। आप उसके बाद में अगर कोई यूज करना चाहते हो कोई मेडिसिन वगैरह तो यूज कर सकते हो, लेकिन जो बॉडी के हिसाब से आपका जो पेनिस ग्रोथ होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी के हिसाब से आपका पेनिस इंक्रीज होता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि रियल में पेनिस का साइज कितना होना चाहिए, नेचुरल पेनिस का साइज कितना होना चाहिए, तो आप अपने पेनिस का साइज खुद नाप सकते हैं। अगर आप मुट्ठी बांधते हैं, मुट्ठी के बाहर आपका सुपारी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुट्ठी के अंदर अगर सुपारी आ रहा है तो आपको समस्या है, आपको फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आई होप दोस्तों की वीडियो को पसंद होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।